डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी उत्पाद सीधे ग्राहक को बेचा जाता है और इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अपना एक स्वतंत्र नेटवर्क बनाती है जो किसी व्यक्ति और उसके संपर्क के दूसरे व्यक्ति को अपना उत्पाद बेचती है। इन लोगों को कंपनी का एम्प्लॉय नहीं कहा जाता है बल्कि इन्हें सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाता है, क्योंकि कंपनी इन्हें कोई वेतन नहीं देती है और इनके कोई देती है बल्कि इनके और इनके द्वारा बेचे गए उत्पाद पर, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा खुद और उनके टीम द्वारा बेचे गए उत्पाद पर उन्हें कंपनी के बिजनेस प्लान के आधार पर प्रमोशन और कमीशन के रूप में इंसेंटिव दिया जाता है। यह इंडस्ट्री लगभग 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्तों, ये 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है, ये एक नया इंडस्ट्री नहीं है। इंडिया के लिए हो सकता है नया है, कुछ लोगों के लिए नया है, लेकिन 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्तों। अब पहली लेजिटमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दोस्तों यूएसए में 1940 ईस्वी में खुला था और आज 100 से ज़्यादा देशों में 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेच रही है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, और इसके आज करोड़ों सेटिस्फाइड कस्टमर है। केवल अमेरिका में 1000 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है दोस्तों आज के टाइम में। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि हम और आप किसी भी दुकान से सामान खरीदते हैं, जैसे कि किसी राशन के दुकान से, किसी अपने अगल बगल के ग्रोसरी स्टोर से, सुपर स्टोर से जाकर हम लोग सामान खरीदते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और डायरेक्ट सेलिंग जो कि जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं समझ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो मॉडल है वो मॉडल क्या कैसे काम करता है, तो एज ए कस्टमर हम और आप क्या होते हैं, एक कस्टमर हैं, तो कस्टमर हम और आप कहाँ से सामान लेते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं आपके हमारे आस पड़ोस के जो दुकानदार होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, वहाँ से सामान लेकर के आते हैं। और ये रिटेलर कहाँ से सामान लेकर आते हैं, तो ये कहीं ना होलसेलर से सामान लेकर के आता है। होलसेलर कहाँ से सामान लेकर के आता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेता है, जो भी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदता है एज ए होलसेलर। और ये होलसेलर आगे क्या करता है, ये सुपर स्टॉकिस्ट से सामान लेकर के आता है, यानी कि जो सुपर स्टॉक की डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, सुपर स्टॉकिस्ट उनसे सामान लेता है और सुपर स्टॉकिस्ट कंपनी से डायरेक्ट लेता है। इस बीच में दोस्तों कंपनी दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, इस प्रोडक्ट का ऐड भी करती है, एडवर्टीजमेंट भी करवाती है, तो कंपनी कहीं ना कहीं वो जो है एडवर्टीजमेंट करवाती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी सेल्स टीम भी रखता है जो कि प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा है, देश के किस कोने में पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, हर चीज़ का रिपोर्ट रखना, बनाना, ये सभी चीज़ों का काम सेल्स टीम करता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, ये जो कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, अगर वो प्रोडक्ट का कीमत अगर 2 रुपया है, लेकिन हम और आप तक पहुंचते वो प्रोडक्ट का कीमत दो 20 रुपये का हो जाता है। अब 20 रुपये का क्यों होता है, इसमें साफ साफ आप समझ सकते हैं कि इस बीच में जितने लोग हैं, यानी कि एज अ रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट, एडवर्टीजमेंट करने वाले एक्टर, एक्ट्रेस, सेल टीम, तो इन लोगों में पैसे बढ़ता है और जिस वजह से हमारे और आप तक कोई प्रोडक्ट, एक छोटा सा अगर कोई मतलब सोप है, साबुन है, शैम्पू है, वो हमारे तक आप तक पहुंचते अगर वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं 10 रुपये में बना होगा, तो हमारे तक आप तक पहुंचते 100 रुपये का हो जाता है। तो क्योंकि इस बीच में जो लोग होते हैं उन लोगों में पैसे बढ़ता है, इन लोगों को कमीशन मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, वो करोड़ों चार्ज करती हैं कंपनी को, और कंपनी किससे पैसा लेती है, कंपनी कहीं ना कहीं एज ए घुमा फिरा करके एज ए कस्टमर हम लोगों से पैसा लेती है, जो कि वही पैसा इन लोगों में बांटा जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में क्या होता है दोस्तों, कस्टमर से कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इस बीच में जो रिटेलर होता है जो सुपर स्टॉकिस्ट होता है वो सुपर स्टॉकिस्ट हटा दिया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसे हटा दिया जाता है, जो होलसेलर होता है उसे हटा दिया जाता है, रिटेलर होता है उसे हटा दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट करने वाले लोगों को हटा दिया जाता है, सेल्स टीम को हटा दिया जाता है, और इस बीच में जो पैसे कहीं ना कहीं सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट करने वाले एक्टर, एक्ट्रेस और सेल्स टीम को दिया जाता है, वो पैसा हमारे और आप में बट जाता है। एज ए कस्टमर हम और आप जब किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को के साथ जुड़ते हैं, तो वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट और एज ए कस्टमर हमारे बीच में जो बीच का जो गैप है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉक, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स टीम, इन लोगों का जो पैसा होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे और
बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हीं में बांटा जाता है। एज ए कस्टमर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप जुड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में और प्रोडक्ट लेते हुए आप टीम बनाते हैं अपने नीचे, आपके नीचे भी लोग प्रोडक्ट खरीदता है, आप भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे टर्नओवर बढ़ता जाता है, टर्नओवर के आधार पर आपका प्रमोशन होता जाता है, प्रमोशन होते होते आपका कहीं ना कहीं जो इनकम है वो इनकम भी बढ़ते जाता है, जो इंसेंटिव है वो इंसेंटिव भी बढ़ते जाता है, आपके टीम से भी आपका कमीशन आपको मिलते रहता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मॉडल। आप सभी को आशा करते हैं समझ में आया होगा डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है। तो जितने भी बेनिफिट हो वो हमारे और आप में बांट दिया जाता है।